चुनावी संग्राम में कौन कितने पानी में, किसे मिलेगी जीत, चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक और मतगणना से लेकर नतीजों तक चुनावी संग्राम की एक एक खबर देखिए अंबर टाइम्स और एक खबर टुडे के साथ चुनावी संग्राम। नगर निगम चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग अब महज 31 दिन दूर है। अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे की टीम पहुंच रही है शहर के प्रत्येक वार्ड में। अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे की टीम ने वार्ड क्रमांक 1 का जायजा लिया और जाना कि इस वार्ड में कौन सी समस्या है। वार्ड क्रमांक 1 में औद्योगिक क्षेत्र, गांधीनगर, शिवनगर, शिवशंकर कॉलोनी, शिमला कॉलोनी, मालवा नगर, रिटायर्ड कॉलोनी जैसे इलाके आते हैं। ये वार्ड अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है। वार्ड में खराब सड़कें, पानी का संकट और गंदगी जैसी समस्याएं हैं। वार्ड के मतदाता कुछ कामों से संतुष्ट हैं तो कुछ समस्याओं के लिए नाराज। अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे के कैमरे पर मतदाताओं ने खुलकर अपने विचार रखे। क्या नाम है आपका? मोहनलाल। आपके वार्ड का विकास कैसा हुआ? संतुष्ट है आप? वार्ड के विकास से संतुष्ट है आप? किस तरह का विकास होना चाहिए? हमारे गांधीनगर वार्ड नंबर 1 का जो विकास होना था वो पूरा हो गया। आप किस तरह का विकास चाहते हो? और किस तरह का विकास चाहते हो? अरे विकास हो गया, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। कैसा पार्षद चाहते हैं? पार्षद अच्छा है, जो काम कहो सब सुनते भी है, काम भी करते हैं बेचारे। हो गया, उनको मजदूरी मिलती जैसा वैसा काम में ना नहीं करते। हमारे यहाँ कोई काम हुआ कि भैया एक काम करना, बोला अच्छा काका, चार घंटे दो घंटे के बाद काम करवा देते हैं। कोई माथा फोड़ी, कोई मगज मारी नहीं। क्या नाम है आपका? विकास पाल। विकास पाल, ये आप गांधीनगर एक नंबर में रहते हैं, एक नंबर वार्ड में समस्या क्या है? समस्या तो अभी फिलहाल ऐसे कुछ भी नहीं है, और थोड़ा रोड का ही प्रॉब्लम है कि मेन रोड थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए। किस तरह का विकास चाहते हैं? रोड का विकास चाहते हैं सर। आप इस बार नगर सरकार के चुनाव होने जा रहे हैं और आप वोट फिर वोट देंगे, आप पार्टी को देख के देंगे कि पार्षद के व्यक्ति को देख के देंगे? नहीं, वो तो डिपेंड करेगा ना कि उस टाइम पे किस क्या चीज़ माहौल बन रहा है, किस तरीके का माहौल क्रिएट हो रहा है। नहीं, इस चुनाव में आपको क्या लगता है, लोगों को पार्टी देखना चाहिए कि व्यक्ति देखना चाहिए? नहीं, व्यक्तिगत व्यक्ति देखना चाहिए, पार्टी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी व्यक्ति हो गया है। पार्टी भी अपनी तरफ काम कर रही है, व्यक्ति लोग भी अपनी तरफ काम करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक है। अशोक जी, कैसा वार्ड विकास कैसा हुआ आपका? वार्ड विकास तो अच्छा है सर। अब आगे आप कैसा विकास चाहते हैं? आगे ये चाहते हैं कि जैसे जो भी काम ये कर रहे हैं वो तो बढ़िया हो रहा है, और व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो जैसे अपन कोई भी काम के लिए बुलाते तो पार्षद आते हैं। अभी क्या समस्या क्या आई वार्ड में? वार्ड में समस्या जैसे तो अभी तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अब आप एक बार नगर सरकार से चुनने जा रहे हैं। अच्छा, और जनता बहुत महत्वपूर्ण ताकत होती है, महत्वपूर्ण व्यक्ति को देखेंगे या की पार्टी को? व्यक्ति को तो वो उसके व्यवहार के ऊपर है, और वो पार्टी का जो वातावरण रहेगा उस हिसाब से तो अपने को आदमी चुनना पड़ेगा ना। अरविंद रानड़े। जी, आपके वार्ड का विकास कैसा हुआ? हमारे वार्ड का विकास तो होना चाहिए, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसे कोई सी पार्टी बराबर कर नहीं रही है। इसके लिए क्या है कि निष्पक्ष और जो RSS जो मतलब क्या एक्चुअली ना कि कोई भी पार्टी वाले होते हैं ना, वो केवल अपना पेट भरना चाहते। जो व्यक्ति पूरे 5 साल तक जनता से संपर्क में सतत बना रहेगा वही विकास कर सकेगा। वो कल चुनाव के टाइम पे मिलेगा, उसके बाद में गायब हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति काम नहीं कर सकता। अभी विकास में क्या चाहते हैं? किस अभी क्या क्या दिक्कत आ रही है वार्ड में? एक तो सड़कें अच्छी नहीं है, बहुत सी जगह पे साफ सफाई भी नहीं है। आप मध्य प्रदेश में नंबर 1 बनाना चाहते हैं, नंबर 2 बनाना चाहते हैं, तो ये कम से कम इसको प्रत्येक पार्षद जनता को भी सहयोग करना चाहिए। लेकिन पार्षद लोग क्या होता है कि लगभग चुनाव के आसपास दिखते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, वो किसी भी पार्टी के हो। आप सीनियर सिटीजन आते हैं। यस, कई चुनाव आपने देखे हैं? कई चुनाव देखे हैं हमने, लेकिन पिछले 14 से 15 सालों में जो काम हो रहा है ना, पिछले
40 50 सालों में नहीं हुआ है उतना काम। इस चुनाव में, नगर सरकार के चुनाव में आप एक जनता के रूप में किसी पार्षद के व्यक्तित्व को देखेंगे या पार्टी को? पार्षद के व्यक्तित्व और पार्टी दोनों ही है। मेरा नाम प्रहलाद राठौर। राठौर जी, आप वार्ड नंबर 1 में निवास करते हैं और कई चुनाव आपने देखे हैं और आप फिर चुनाव में आ रहे हैं, आपके वार्ड का विकास कैसा हुआ? सब ये 3 साल से भूमि पूजन हुआ पहले इसका रोड का, अभी तक रोड नहीं बना है, देखो खड्डे ही खड्डे हो रहे हैं, सब परेशान, दिन भर इतनी धूल उड़ती है परेशान हो जाए, ये हालत है यहाँ। जब धूल उड़ती है, गड्ढे है, भूमि पूजन हो गई है, हाँ, तो आपने आपके पार्षद को नहीं बोला? बोला हमने, इनको भी बोला। तो फिर क्या बोला? कई बार बोला भाई कि ये स्थिति है। अब क्या किस तरह का विकास चाहते हैं आप? किस तरह का विकास चाहते हैं? अब विकास तो क्या, विकास तो होना चाहिए इधर भाई, सुविधा सब मिलनी चाहिए। कि आप पार्टी को वोट देंगे या कि व्यक्ति को वोट देंगे? हैं, पार्षद के व्यक्तित्व को वोट देंगे कि पार्टी को वोट देंगे? आप वोट अभी फिर वोट देंगे आप, हाँ। तो आप जनता है, आप पार्टी को वोट देंगे कि पार्षद के व्यक्तित्व को देंगे? पार्टी को देंगे। अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे की टीम आ पहुंची है वार्ड क्रमांक 2 में। वार्ड क्रमांक 2 में हरिजन बस्ती, मालवा नगर, लक्ष्मणपुरा, टीआईटी के मकान और सैलाना यार्ड आदि शामिल है। इस वार्ड में जबरदस्त गंदगी है, नालियां चौक हो रही हैं, नालियों की गंदगी सड़क पर आ रही है। वार्ड के मतदाता नेताओं पर आक्रोशित है। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं वार्ड 2 के मतदाता। हरीश कसेड़िया, एडवोकेट। आप वार्ड नंबर 2 के? जी बिल्कुल। आपके वार्ड का विकास कैसा हुआ? विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ। क्या कमी रही है? कुछ हुआ ही नहीं, तो कमी सब कमियाँ ही है। क्या क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या तो जल की, यहाँ पर गंभीर समस्या, आज तक कोई देखने नहीं आया समस्या को। उसके अलावा फिर ये जो नाले हैं जितने भी, सारे सब चौक रहते हैं हमेशा, सारे नाले चौक रहते हैं हमेशा। सफाई का भी बोलना पड़ता हमारे को कि भाई आओ। बिल्कुल, एक मतदाता के रूप में जी, और जनता ही महत्वपूर्ण शक्ति है लोकतंत्र के अंदर जी। आप पार्षद के व्यक्तित्व को देख के वोट देंगे कि पार्टी को? पार्षद के व्यक्तित्व को देख के, पार्षद के व्यक्तित्व देख के। और मान लो राजनीतिक दल यहाँ भी हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो उसको देखेंगे जो व्यक्ति हमारा काम कर सके उसको देंगे हम। अभी किस तरह का विकास की आशा रखते हैं? सबसे पहला विकास तो हमें चाह रहे हैं, वही बात है, उसको सबसे पहले समस्या है नल की, जल की, उसका विकास होना चाहिए। प्लस जो जितने भी नाले हैं उनकी सफाई होना चाहिए, और जो रोड जितनी भी डैमेज है वो पूरी बनना चाहिए। क्या नाम आपका? गुलाब चंद। आप इसी वार्ड के? जी बिल्कुल। और मतदाता जी? बिल्कुल। कैसा लग रहा है विकास आपको? विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ सर। क्या क्या कमी रही है? विकास ही नहीं हुआ तो सारी कमी है ना। मुख्य समस्या क्या रही है? मुख्य समस्या है कि बारिश में यहाँ बहुत पानी भरता है, पूरा आने जाने का पूरा रास्ता ही जाम हो जाता है। और नल, रात रात को नल आते हैं 9-10 बजे, तो कोई समय क्या नल का? सुबह का समय 9 बजे का नल का समय रहता है, वो नल उस समय पे नल नहीं आता। आम जनता परेशान होती रहती है, रात रात भर पानी भरती रहती है। अब दिन में काम करे, रात में पानी भरे, तो बंदा आराम कब करेगा? गंदगी की? गंदगी तो वो नाले जाम ही रहते हैं, ये जब बारिश गिरती है तो बास मारता पूरा कीचड़ रोड, ये अपने रोड पर कीचड़, नाली का कीचड़ आ जाता है, ऊपर सफाई नहीं है। आपके वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है, समस्या है? बिल्कुल। फिर चुनाव है? बिल्कुल। और ये आपका आक्रोश है और आपका समय है जी, इसमें इस आक्रोश को किस तरह व्यक्त करेंगे? कैसा पार्षद चाहिए? पार्षद वही चाहिए हमें जो पूरा तरह से वार्ड का काम करे, विकास कर सके, भले वो किसी भी पार्टी का, कोई सी पार्टी का हो, जनता बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, निर्दलीय हो, कोई सा भी हुआ हो, बस काम होना चाहिए वार्ड में। शहर के वार्डों की हकीकत से आपको रूबरू करवाने अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे की टीम अब आ पहुंची है वार्ड क्रमांक 3 में। इस वार्ड में जवाहर नगर, सी कॉलोनी, जनता क्वार्टर, टीआईटी, इंदिरा नगर, मालवा नगर का भाग, हाउसिंग बोर्ड की नई कॉलोनी, विनोबा नगर, एमआईजी, एलआईजी, पीएनटी कॉलोनी आदि शामिल है। ये वार्ड शायद शहर के सबसे गंदे इलाकों में से एक है। गोमदड़ी की पुलिया के इलाके में जबरदस्त गंदगी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, वार्ड के मतदाताओं में जबरदस्त गुस्सा है। आइए जानते हैं मतदाताओं के मन की बात। जी, आप ये वार्ड नंबर 3 के निवासी हैं जी, और फिर चुनाव आ रहे हैं,
आपके वार्ड का विकास कैसा हुआ? हमारे वार्ड का विकास तो कोई ज़्यादा नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं करीब करीब। क्या दिक्कत है? बहुत सारी दिक्कतें हैं, एक दिक्कत हो तो बताएं। जैसे हाँ वो सर नालियाँ वगैरह ये वो, दूसरा साफ़ सफाई वगैरह मंदिर के आसपास की साफ़ सफाई वगैरह। ये किस तरह का विकास चाहते हैं आप? अच्छा साफ विकास चाहते हैं, जैसे मोदी जी दे रहे हैं, मोदी जी ने जिस हिसाब से मतलब प्रचार किया उस हिसाब से साफ सफाई चाहते हैं। इस चुनाव में आप पार्षद के व्यक्ति को देख के वोट देंगे कि पार्टी को? फिलहाल तो पार्टी को देख के वोट देंगे, बाकी अच्छे से अच्छे आदमी को टिकट मिले तो अच्छा है, काम करने वाले को। वर्षा, वर्षा जी आप इसी मकान में रहती हैं? हाँ। और आपके घर के पास बहुत गंदगी पड़ी है, बहुत ज्यादा। तो आपके वार्ड का विकास कैसा हुआ? समस्या है क्या आ रही है? हमारे इसके घर उधर पापा को बुला जल्दी से। आपको समस्या क्या आ रही है? हमारे को ये समस्या आ रही है कि हम यहाँ पे नहीं रह सकते, कितनी गंदगी है। कल बोल के गए कि साफ करके चले जाएंगे और आए नहीं अभी तक। संजय उपाध्याय। उपाध्याय जी आप जिस वार्ड में रहते हैं, इस वार्ड का विकास कैसा हुआ? विकास तो ये सामने ही देख रहे हो आप, देखो। और इसमें ये पुल चोरी हो जाए वो पानी रुकता है, यहाँ अभी गए साल ही पानी घुस गया था मेरे यहाँ, काफ़ी नुकसान हुआ। आपके अभी जो पार्षद ने विकास किया ऐसा संतुष्ट है? हाँ अभी तक तो ठीक है। अगर ये अब तक विकास ठीक है तो ये नाले की समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? करवाते हैं, ये कल ही सफाई करवा के गए और ये देख लो आप, आपके सामने ही है। अब आप कैसा विकास चाहते हैं, किस तरह का काम होना चाहिए? आप एक मतदाता है, वो जिम्मेदारी है आपकी, आपको चुनना है जी। तो कैसा आदमी को चुनेंगे आप? जो विकास करेगा, रोड अच्छी चौड़ी हो जाए। सुनील रघुवंशी। सुनील जी आपके वार्ड का विकास कैसा होगा? सर, क्या लगता है वार्ड में? सर वार्ड में विकास तो पक्षपात के द्वारा किया गया है, वोटरों को देखते हुए विकास किया जाता है सर। और इस बार हमारे साथ बहुत बड़ा पक्षपात हुआ। मैं जनता कॉलोनी का निवासी हूं, जनता कॉलोनी में किसी प्रकार का कोई विकास कार्य हुआ ही नहीं है। क्या कमी आ रही है सर? बगीचा निर्माणाधीन पड़ा हुआ है, वर्षों से कोई निर्माण नहीं हुआ। नाला के निर्माण के लिए राशियां स्वीकृत हो चुकी लेकिन नाला पक्के करने का कोई निर्माण नहीं हुआ। व्यास जी ने अतिक्रमण कर रखा है, उनका अतिक्रमण न तो तोड़ा जाता है न कुछ होता है। उनका राजनीतिक दबाव इतना तगड़ा है कि हर कोई व्यक्ति उसको वो कर देता है, नेगलेक्ट कर देता है। अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे की टीम वार्डों की हकीकत जानने के लिए अब आ पहुंची है वार्ड क्रमांक 4 में। इस वार्ड में मालवा नगर, गार्ड कॉलोनी, इंदिरा नगर, बीमा अस्पताल के पीछे, जवाहर नगर के मकान, वरदान नगर सेक्टर 1-2, विनोबा नगर MIG, देवरा देव नारायण नगर, महेश नगर का भाग आदि शामिल है। इस वार्ड के रहवासी भी समस्याओं से खासे परेशान हैं। सड़कें टूटी हैं, सड़कों के गड्ढों में पानी भरा है, पेयजल का संकट गहराता ही जा रहा है। वार्ड के मतदाता खुलकर अपनी बात कहते हैं। नरेंद्र कुमार। वार्ड क्रमांक 4 के रहवासी हैं जी। हाँ। और आपके वार्ड में विकास कैसा हुआ? हाल फिलहाल तो ठीक ही है, सब अच्छा चल रहा है। क्या समस्या क्या आई वार्ड में? अभी समस्या तो कुछ नहीं है, छोटी मोटी रहती है, कचरा वगैरह पानी की, और कुछ नहीं। किस तरह का विकास चाहते हैं? विकास तो हम समग्र विकास चाहते, पूरे मोहल्ले का, पूरे रतलाम का, हमारा अकेला विकास भी चाहते है ना। आप वार्ड क्रमांक 4 के रहवासी हैं? हाँ जी। आपका शुभ नाम? बाबूलाल गरवाल। बाबूलाल जी आपका वार्ड में से चुनाव हो रहा है? हाँ जी। आपका पार्षद कैसा हो रहा? पार्षद तो अच्छे हैं हमारे, तो जो भी आता है वो देख रेख तो करते हैं थोड़ी बहुत, तो अब वो बाकी तो आप जानते ही हैं। किस तरह का पार्षद चाहते हैं? ये पानी वगैरह के बारे में वो आते हैं पूछने, या कभी पानी मिला या ना मिला तो पूछ लेते हैं। अब किस तरह का पार्षद चाहते हैं? ऐसा पार्षद आना चाहिए वो अच्छी आए कोई भी, अपने को क्या है, अपने तो सेवा में है वो। इस चुनाव में आप पार्षद के व्यक्तित्व को देख के वोट देंगे कि पार्टी को? पार्टी देख के देंगे हम, तो पार्षद के व्यक्तित्व नहीं देखेंगे। पार्षद कौन है, अच्छा है या कैसे है, जो अपनी सुनवाई कर ले वो, या अपनी बात को समझ ले कि क्या इनको क्या परेशानी आ रही है क्या नहीं आ रही है, उस हिसाब से।
शर्मा जी, ये चुनाव आ रहे हैं और फिर एक बार आपको वोट देना है, किस तरह का पार्षद चाहते हैं आप? पार्षद यही है कि भाई जो अपनी मूलभूत सुविधाओं को समझे जाने, जो एक बार चेहरा दिखा के गायब ना हो, तो ऐसा तो नहीं चाहिए। जो ये कि जो हमारे बीच में रहे ऐसा चुनेंगे। सही पार्षद कैसा आपका, कौन था कौन, मेरे को तो यही नहीं पता। आपको चुना? मैं राजेश पांडे। पांडे जी, आप वार्ड नंबर 4 के रहवासी हैं जी। आपके वार्ड नंबर 4 का विकास कैसा हुआ? वार्ड नंबर 4 में विकास तो हुआ, पर यह है कि जो विकास की गति होना चाहिए थी वो हमारा पिछले पार्षद निष्क्रिय रहे, इसके कारण हमारे यहाँ पूरे वार्ड में विकास की गति कमजोर रही। किस तरह का पार्षद हैं आप? वे सड़क और ये जो है आंतरिक सड़कें जो है सभी खराब है आने जाने के लिए। कॉलोनियों में जो पानी भराता है बरसात के मौसम में, हमारे इस रोड पे ही आगे चल के अब पूरा पानी भर जाता है। नालियों से पानी की निकासी नहीं है। इंदिरा नगर में आपने मेन रोड पे चले अपन तो वहाँ नाले का पानी पूरा लोगों घरों में भराता है। तो यहाँ पानी की जो निकासी की सुचारू व्यवस्था होना चाहिए बरसात का, वो नहीं हो है, जिसके कारण हम परेशान। आपकी जो समस्या, मूलभूत समस्या आ रही है पानी की निकासी की, इस समस्या को अब तक आपके पार्षद ने क्या पहल की है? वही इसके पहले पूर्व पार्षद ने तो जो है वे उसके लिए कुछ किया कि पहले अपने जो नाले की चौड़ाई, नाले की सफाई कराना, जो गोमदड़े की पुलिया वाला नाला आता है उसका पानी बेक वाटर इंदिरा नगर मेन रोड पे आता है, उसमें किया। और पिछला पार्षद तो हमारा चुनाव जीतने के बाद से लापता रहा। अपने दर्शकों को शहर के हर वार्ड के चप्पे चप्पे से वाकिफ कराने के लिए इस अभियान में अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे की टीम अब पहुंच गई वार्ड क्रमांक 5 में। इस वार्ड में महेश नगर, रेल नगर, न्यू और ओल्ड ग्लोबर्स, देवरा देव नारायण नगर का कुछ भाग, मंगल विहार, विनोबा नगर, राम रहीम नगर इत्यादि सम्मिलित है। इस वार्ड में पहुंची हमारी टीम ने सैकड़ों गड्ढों को देखा, उजड़ी हुई सड़कें देखी। गंदगी की समस्या है तो जल संकट भी बरकरार। रहवासी इतने नाराज कि चुनाव का बहिष्कार करने तक को तैयार है। सुनिए क्या कहती है जनता। के बेचारे गरीब मारे जाए, मेरा 25,000 से 30,000 का नुकसान हुआ है। क्या बारिश में पानी सारा अंदर घुस गया था, आधी आधी दीवार, कम से कम 5 फीट पानी चला गया था साहब, कोई सुनता नहीं। हम 2 बार जाके आ गए वहाँ पे तहसील कार्यालय में, हम जाके वहाँ पे एप्लीकेशन दे के आए, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज से नहीं, मैं 17 साल से देख रही हूँ पानी, हमारा ये ही हाल है हमारा। आज दिन तक कोई सुधार नहीं आया है। 17 साल में 2 पार्षद आ गए आपके? 2 पार्षद आ गए सर, किसी ने कुछ नहीं करा है। मैं तो साहब बोलती हूँ ना साहब, हाँ बोलेंगे, जरूर करेंगे, हाँ करेंगे, हम करेंगे, बाकी कुछ नहीं करा है। हमारे घर में एक बार छोड़ के दूसरा 2 ही साल तक पानी भर रहा है साहब, किसी ने हमारी कोई नहीं सुनी। हर बारिश में दिक्कत आती है साहब, हर बारिश में 10,000 या 15,000 रुपए का खर्चा मतलब आता है, हमारा नुकसान होता है। बारिश तो साल की है, 12 महीने का गड्ढा, 12 महीने का गड्ढा और क्या दिक्कत आ रही है? गड्ढे हैं यहाँ पे, रोड बनती है यहाँ पर, चारों तरफ से डला नहीं। किस तरह का पार्षद चाहती हैं? सुधार चाहते हैं ना, चाहते हैं और क्या, नाली का निकास करो। एक मिनट, आप जो पार्षद चुनने जाएंगी इस बार तो वो पार्टी से चुनेंगी कि व्यक्तिगत चुनेंगी? कैसा व्यक्तिगत चुनेंगे और क्या। 5 में रहते हैं, हाँ है ना, आपके वार्ड नंबर 5 में समस्या क्या है? समस्या पानी की टंकी जर्जर हो रही है, कभी भी गिर सकती है, पब्लिक इसमें निपट सकती है। नगर पालिका कुछ सुनने में तैयार नहीं, नई टंकी बन गई है, इसके बाद में बनी वो टंकी चालू हो गई है और इसको चालू करने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपके वार्ड का विकास कैसा हुआ? विकास तो सीवर लाइन ने जो खोद रखा है वो गड्ढे बड़े हैं, बाकी तो रोड सब चल रहे हैं। आप इसी वार्ड में? जी हाँ। तो आपके वार्ड में क्या समस्या है? ये हमारे यहाँ पानी की समस्या बहुत गंभीर है, और अभी जो है अभी 5-7 दिन में तो अभी आए नल, अभी कल परसों नल आए, ये हर दूसरे दिन तो मोटर खराब हो जाती है, कहीं मोटर भले आप ये किसी से पूछ लीजिए। कैसा पार्षद चाहते हैं आप? पार्षद कैसा होना चाहिए? जो यहाँ काम करे, हमारी समस्या सुने। तो इस चुनाव में आप पार्टी को देख के वोट देंगे कि पार्षद को देख के? देखो काम के ऊपर वोट दिया जाता है, जो काम जैसा करेगा और जो हमारी समस्या सुनेगा हम उसको चुनेंगे। आप कह रहे थे वार्ड नंबर 5 में, क्या समस्या है वार्ड में? समस्या यही है कि भाई ना तो पार्षद सुनता है, ना कभी आता है, ना देखता है, रोड़े इतनी खराब है, रोड़े इतनी खराब है हमारे उधर देखो अंबिका नगर में, रोड़े इतनी खराब है,
कभी बोलते उसके घर पे जाके पत्थर फेंके तो भी पार्षद नहीं आया, और नल नहीं आते हैं। जब रोड ही कच्चा है तो अभी फिर क्या मतलब पार्षद को चुनने से। तो आप कैसा पार्षद चाहते हैं? पार्षद तो ऐसा चाहते हैं कि भैया वार्ड में विकास हो, नालियाँ नहीं ढंग से हो रही है, ना रोड हो रहे हैं, ना नल। भाई व्यक्तिगत को क्या चाहिए, रोड नल और क्या चाहिए उसको भाई? इतनी लाइट और यही सुविधा अगर कर देना। आप एक काम करो कि आप अंबिका नगर में आओ, आपको खुद को मैं आपको खुद मैं बताऊंगा कि लाइट के तार इतने नीचे हैं कि छोटे बच्चे भी पकड़ लें। ऐसी समस्या है तो भी पार्षद नहीं सुनता। ये आप वार्ड नंबर 5 में हैं, क्या समस्या है वार्ड में? हमारे घरों में पानी भराता है, हम नाला की दीवारें दो तरह से उठवाने के लिए जाते हैं। इसके लिए आपने क्या पहल करी अभी तक? करते हैं भन, कोई सुनता ही नहीं है। किसकी शिकायत करी? यही जो पार्षद आते हैं इधर, उनसे करी बस, और किससे करें? कैसा था काम पार्षद का? अभी तक तो कुछ भी नहीं है, थर्ड है, बिल्कुल थर्ड कॉलोनी बनी हुई है अभी तक तो। जब से कैसा पार्षद चाहती हैं? हम अच्छा चाहते हैं और अच्छा रहना चाहिए बस। क्या नाम है आपका? तारा सिसोदिया। आपके वार्ड में फिर चुनाव आ रहे हैं, फिर पार्षद को चुनना है? हमारे तो अच्छा पार्षद चाहिए, इसका काम कराए मोहल्ले का। तो आप राजनीतिक पार्टी को देख के वोट देंगे कि पार्षद को देख के? नहीं, हम पार्षद को देख के देंगे तो हमारा विनोबा नगर का उद्धार होगा, उसको वोट देंगे और काम होगा तो ही वोट देंगे। अब तो हम पिछले 5। आपको क्या नाम है? मेरा नाम ईश्वरी प्रसाद व्यास है। व्यास जी, आपने कई चुनाव देखे हैं? मैं एक बार चुनाव फिर देखना। साल 57 से चुनाव देखता रहा। इस चुनाव में कैसा पार्षद चुनेंगे आप? जो हमारे वार्ड का काम करेगा, जो सेवा करेगा जनता की, जो नगर की सेवा करेगा, नगर के प्रति समर्पित होगा, उसको हम वोट देंगे। अभी तक का पार्षद कैसा रहा आपका? जी, अभी तक का पार्षद कैसा था? अभी तक के पार्षद के दर्शन जिस दिन वोट मांगना थे उस दिन दिखे, उसके बाद आज तक नहीं दिखे। चुनावी संग्राम में कौन कितने पानी में, किसे मिलेगी जीत? चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक और मतगणना से लेकर नतीजों तक चुनावी संग्राम की एक एक खबर देखिए अंबर टाइम्स और एक खबर टुडे के साथ चुनावी संग्राम।